हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए मैं फिर बाल सीरीज लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि आप पीछे मेरे इन्वर्टर रखे हुए हैं। इस वीडियो में आपको पूरे इन्वर्टर कवर करूँगा, और ये मेरे साइड में आप देखिए तो ये बैटरीज भी रखे हुए हैं, और ये पीछे दिखाऊँ आपको तो हमें इसकी बैटरी वगैरह रखी हुई है। तो इस वीडियो में आपको पूरी कवर करूँगा और दिखाऊँगा कि कैसे कैसे क्या प्रोडक्ट है और क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, और दिखाता हूँ आपको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारा माइक्रोटेक का KB800 मॉडल है। 12 वोल्ट का प्रोडक्ट है, स्क्वायर वेव है, और ये मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर होते हैं, जो कि आपके जो भी लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं होते स्क्वायर वेव है, पर मॉडिफाइड साइन वेव होते हैं। मान के चलिए आप 80% साइन वेव इन्वर्टर होते हैं वो। तो ये हमारा ये मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है। इसके बारे में आप देखें तो ये 700 रखा हुआ है, ये भी EB700 है, माइक्रोटेक का प्रोडक्ट है। ये आप देखेंगे ओपन है, जो ये क्लोज मॉडल है ये ओपन मॉडल है, तो ये डिब्बे से बाहर है। और इसके बारे में आप देखें तो माइक्रोमैक्स इन्वर्टर रखा हुआ है, जो कि कंपनी अब जा चुकी है, तो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ था, नया प्रोडक्ट है, तो हम अपने बिहाफ पे इसकी वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। इसके बारे में ये 750 रखा हुआ है, ये भी माइक्रोमैक्स का ही है। इसके बारे में ये देखेंगे तो आप ये 1650 रखा हुआ है ल्यूमिनस का, ल्यूमिनस का 1650 है, डबल बैटरी का है ये, 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट, तो दो बैटरी इसकी लगती हैं, 24 वोल्ट का है ये। हैवेल्स के कंट्रोल रखा हुए हैं ये ऊपर, और यहाँ पे आप देखेंगे कि AC का स्टेलर रखा हुआ है। इसके बारे में आप देखें तो ये अमेज का 1075 क्लोज मॉडल रखा हुआ है, ओपन भी आपको दिखाऊंगा मैं। इसके बाद आप देखें तो ल्यूमिनस का 650 मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है, इको बर्ड है ये। इसके अलावा में आप देखें तो ये ल्यूमिनस का ही इको बर्ड मॉडल है, और ये भी 12 वोल्ट में है आपका, और ये भी 12 वोल्ट में है। इसके अलावा में ये बॉक्स के साथ रखा हुआ है, ये ल्यूमिनस का प्रोडक्ट है, ये भी ये 700 और ये 750। इसके बाद हम नीचे आएंगे आपको तो ये ईस्टमैन का है, और ये सोलर इन्वर्टर है, जो कि आप PCU होता है, ये लिखा हुआ भी है PCU, तो ये PCU इन्वर्टर है, और ये 850 है। और यहाँ पे आप देखें तो KV 0.85, 12 वोल्ट का प्रोडक्ट है, और 24 मंथ्स की इस पर वारंटी आपको प्रोवाइड होगी, और ये आप इन्वर्टर पे और सोलर पे दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखें तो ये ल्यूमिनस का ही है, और ये अमेज़ है, जो कि ल्यूमिनस का ही ब्रांड है अमेज़। यहाँ पे आप देखें तो AQ 875 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने, तो ये इस पे भी आपको एक की बैटरी से कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और ये आप का स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, मींस फिर वही कि मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर है ये। और इसके बारे में आप देखें तो यहाँ पे आपका 1075 लगा हुआ है, सेम मॉडल होता है ये और ये, सिर्फ VA का फ़र्क होता है इसमें। और इसके अलावा आपको दिखा दूँ ये ईस्टमैन का 1050 है, जो कि क्लोज नहीं है और ये ओपन बॉक्स में है, ये आपको दिखाया मैंने। इसके बाद हम चलते हैं बैटरीज की तरफ, तो ये अमेज़ की हमारे पास बैटरी रखी हुई है, ये अमेज़ की बैटरी है, ये भी ल्यूमिनस का ही प्रोडक्ट है, और इसमें काफ़ी अच्छी रेंज है, और काफ़ी अच्छा इसका परफॉर्मेंस भी है मार्केट में, और डिमांड भी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने ल्यूमिनस ने बनाया हुआ है, क्वालिटी को डेवलप कराए ल्यूमिनस से, अच्छी क्वालिटी इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं ल्यूमिनस वाले। और ये भी देखें आप तो ये ब्रांड में अमेज़ की बैटरी लगी हुई है। कई मॉडल आते हैं, लेकिन इस टाइम कंपनी के पास भी आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो कंपनी के पास भी इतना स्टॉक नहीं है कि हर मॉडल को प्रोवाइड कर पाए। तो ल्यूमिनस में भी इसमें आपको देखें तो हमें भी कई मॉडल प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ल्यूमिनस के पास भी इतना स्टॉक नहीं है। इस टाइम माल बनता है, तुरंत ही माल इधर से उधर हो जाता है। तो ये देखेंगे आप, ये ओसाका कंपनी की एक बैटरी आती है, और ये इसकी जो स्टार्टिंग होती है 185 से स्टार्टिंग ही होती है, और बहुत सी बैटरियों में 100S से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें 150 से स्टार्ट होती है। और इसमें 150, 160, 180, 200, 220 एम्पीयर तक की बैटरी आती है। ये आप देख रहे हैं ये 220 एम्पीयर की है, आपको दिखा दूँ मैं साइड में, ये आप देखेंगे 220 है जिस पर मैंशन वो हुआ है। इसके नीचे आप देखें तो ये 200 एम्पीयर की बैटरी है, ये 200 एम्पीयर है, और इसके बारे में आप देखें तो ये 160 लिखा हुई है, इसमें भी साइड में आपको देखेंगे तो इस साइड में आपको 160 इस पर लगा हुआ है। इसके नीचे रखा हुई है वो भी 160 है, ये 24 मंथ्स में है, और बाकी ये जो देख रहे हैं आप तीनों, ये 3 इयर्स वारंटी के साथ दिए हुए हैं।
और इसके बाद एक बैटरी इसमें आती है जो कि है 18 मंथ वाली, ये 125 एम्पियर में होती है। और इसके बारे में आप देखें तो ल्यूमिनस लिखा हुआ है, वो अमेज ल्यूमिनस का। और ये ओकाया की बैटरी है जो कि आप ओकाया की काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ओकाया भी काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे रही है मार्केट में। तो ये भी इसकी तीन साल वाली वारंटी की बैटरी है। इसके बारे में आप देखें तो ल्यूमिनस के प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो कि ल्यूमिनस की है, और ये भी 3 साल गारंटी वाली बैटरी है। हम आपको यहाँ लिखा तो 54 है पर रिप्लेसमेंट इसकी 3 ईयर्स ही होती है, आपको भी हम वही बताते हैं और कस्टमर को भी हम वही बताते हैं। इसके अलावा नीचे भी ल्यूमिनस की बैटरी रखी हुई है। इसके अलावा देखेंगे और ये डेनेक्स का बैटरी रखी हुई है, ये जो कारों में यूज़ होती है ये डेनेक्स की बैटरी आती है। और ये भी एक्साइड का ब्रांड है हमारा डेनेक्स, तो आपको कोई डेनेक्स दे रहा है और एक्साइड कह रहा है तो नो डाउट ये डेनेक्स का है। और इसमें साइड में आप देखेंगे एक चिट लगी होती है मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्साइड ही वहाँ पर लिखा होता है, मैं भी आपको दिखा दूँ। ये देखिए आप रजिस्टर्ड ऑफिस एक्साइड हाउस और मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मेंशन हुआ है। और इसके बाद आपको दिखाऊँ तो ये ल्यूमिनस के नीचे आप देखेंगे तो ओकाया की बैटरी रखी हुई है और ये सोलर की है। इस पर आपको पूरी 5 साल की वारंटी आपको प्रोवाइड होती है, मतलब मीन्स 5 साल के अंदर बैटरी आपकी कभी भी ख़राब होगी तो आपको कंपनी बदल के बैटरी दूसरी देती है। एक ब्रांड आता है ये सुमैक जो कि सेकंड ब्रांड है, और ये भी आपको 165 एम्पियर में बैटरी होती है। जो लोगों को ज़्यादा एम्पियर चाहिए होती है और मिनिमम बजट होता है इनका तो ये प्रेफर करते हैं हम, तो वो ये चीज़ ले सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ पर आप देखेंगे ओकाया की बैटरी रखी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी और सेल में बैटरी है, और ये बैटरी इसलिए बिकती है जो कि इसमें 2 ईयर की आपको वारंटी प्रोवाइड हो रही है। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट ये है ये छोटे साइज में बैटरी है, हाइट कम है पर इसकी एज जो है 185 है, तो इसमें क्या है कम कस्टमर इसलिए प्रेफर करता है, इसके बाद स्पेस की दिक्कत है तो वो इसी पे जाता है। ये भी आप देखें तो हमें इसकी बैटरी लगा हुई है साइड में, और ये ल्यूमिनस के स्टेबलाइजर हैं, एसी के स्टेबलाइजर होते हैं ये। इस पर आपको 3 ईयर की वारंटी प्रोवाइड होती है, ऑन साइड वारंटी प्रोवाइड होती है, कहीं भी आपकी अगर लगा हुआ है वहीं के वहीं आपका जाके इंजीनियर वहीं पे जाके आपका ओके कर देता है। ये भी एक प्रोडक्ट ल्यूमिनस का ही है, ये भी स्टेबलाइजर है। और ब्रामे भी आप देखें तो ये भी स्टेबलाइजर हुआ है। और इसके बाद आपको दिखा दें हम ये माइक्रोटेक का प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये भी माइक्रोटेक का स्टेबलाइजर है। और ये देखेंगे आप तो ये हमारा ओकाया का है और ओकाया के डिस्ट्रीब्यूटर हम थे पहले, और ये हम टॉप 20 में डिस्ट्रीब्यूटर में हम आए हुए हैं जो कि पूरे इंडिया में टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर थे जिन्होंने इतनी सेल दी थी ओकाया को, तो ये शीट हमें मिली हुई है। और हम सर्वोकॉन के भी 18 चैनल पार्टनर हैं, देखेंगे आप सर्वोकॉन। फ्रेंड्स ऊपर की तरफ आपको मैं दिखा दूँ, ये हमारा माइविटेक का है और ये आप देखेंगे UPS LCBZ 900 मॉडल है। तो ये साइन वेव इन्वर्टर है और ये प्योरली साइन वेव इन्वर्टर है, आप देखेंगे तो आपको इंटेलिजेंट साइन वेव UPS इस पर आपको टेक्नोलॉजी मेंशन हुई है। इसके बारे में आप देखेंगे तो ये लक्ष्मी सोलर का SME लगा हुआ है जो कि सादा इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बना देता है। और इसके बारे में आपको दिखा दूँ ये लक्ष्मी सोलर का कंट्रोलर है जो कि आप इन्वर्टर पे या बैटरी पे जिस पर भी आपको लगाना चाहें उस पर लगा सकते हैं। ये आप देखें तो सर्वोकॉन का स्टेलर लगा हुआ है, उसके नीचे आप देखें तो माइक्रोटेक का स्टेलर रखा हुआ है। इसके बारे में आप देखें तो ये माइक्रोमैक्स का है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस सी माइक्रोमैक्स की, बट माइक्रोमैक्स कंटिन्यू नहीं है तो सर्विस वगैरह है जो कि हम कस्टमर को सब अपनी तरफ से ही मैंशन कर रहे हैं और सब अपनी तरफ से ही अब सर्विस हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ स्टेप से व्यू है और तो फ्रेंड्स मैंने आपको सब प्रोडक्ट दिखा दिए, अगर कोई प्रोडक्ट मैं भूल चुका हूँ या फिर आपको इस वीडियो में कोई और जानकारी लेनी हो उस प्रोडक्ट की तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या आपको इस डिस्प्ले पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे, प्लीज़ व्हाट्सअप भी करें क्योंकि उस नंबर में मेरी कॉल नहीं है एक्टिवेट तो मैं व्हाट्सअप नंबर ही चलाता हूँ उस नंबर पे, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी करें। और आप कुछ लोग ऑडियो कॉल भी करते हैं तो इसी टाइम मेरा नेट नहीं खुला होता है या फिर मैं कहीं होता हूँ तो कॉल नहीं उठ पाती है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए
एक मैसेज आप मुझे डाल देंगे उसके बाद 100% आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा उसका। तो फ्रेंड्स, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक लेते हैं।